बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो चारा लेने के लिए आए हुए हैं अब्बा जी के साथ। अभी काट के आया हूँ, गर्मी काफ़ी है, ये देखें हाथ भी ख़राब हो रहे हैं काटने की वजह से। तो बस अभी थोड़े से रहते हैं, वो अब्बा जी भी काट रहे हैं तो साथ एक लड़का है जो काटते हैं, तो मैंने भी काटे हैं। तो कल भी आया था, कल मैं सारे पट्टे बाइक पे लेके गया हूँ, लेकिन कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कुछ मेहमान वगैरह थे। तो मेहमान आज भी आएंगे, तो लेकिन आज कुछ मूड बना है, मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू करते हैं। इस जगह पे आए हैं, ये बाग ताज़ा अभी शुरू किया है इन्होंने, आम्ब का बाग है ये। उधर सीधे सीधे से उधर सही है, सारे सीधे आए। हाँ जी, एन डिगे हूँ, एन हो गया। ये हमारा सुबह का नाश्ता है, ये करेले भर के पकाए हैं और साथ ये मक्खन है और रोटी है साथ। मैंने सुबह से व्लॉग शुरू किया हुआ है, सुबह चारा काटा उसके बाद घर आए हैं। तो आज कुछ मेरे मेहमान आने थे, तो मैंने सुबह भी बताया था मेहमान आना है, तो वो अभी गए हैं। तो मेरा अभी, मैंने कहा सुबह से गर्मी हूँ, काम वगैरह भी, फिर सुबह चारा लेके उसके बाद घर से बाहर नहीं निकला हूँ, घर का काम वगैरह किया। तो किचन माशाल्लाह आज हमारे हाथ में ही था, क्यों उनका खाना वगैरह, मेरा मूड था बनाने का। तो अभी मगरी का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 10-15 मिनट सिर्फ बाहर की आबो हवा का नज़ारा लेने आए हैं। तो देखते हैं, अभी पानी का इरादा भी था, पानी लगाना है ज़मीन को, तो अगर इरादा बन गया, अगर मूड अभी बन गया तो अभी पानी भी लगाएंगे हम। पानी लिए ना, वो नक्के बनने पड़ने अपनों दे, मैं सोचता थी नक्के बन लिए तो इदा बिलाल आएगा। इसको मैंने दोबारा आज निकाला, क्यों मैंने पहले भी बताया, अकेले आते हुए शर्म आती है, शर्म नहीं आती है, दिल ही नहीं लगता है। तो इसको साथ लेके आता हूँ। तो आज वैसे पानी का मूड था, लेकिन अभी फ़ोन किया है, जिनका ये ट्यूबवेल है वो शादी पे गया हुआ है, तो वो शाम को ही आएगा, तकरीबन मगरिब के बाद ही आएगा। तो फिर मगरिब के बाद तो हम नहीं लगाएंगे, तो एक आदमी है उसके ज़िम्मे लगाएंगे हम, क्यों जो हमारे ये पट्टे हैं ना, इनके नीचे वो ओलों की वजह से ना जड़ गल रही है, तो जो पट्टे का लो होता है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए पानी भी लगाएंगे और साथ खाद वगैरह भी गिराएंगे, जिसकी वजह से इसकी जड़ वगैरह ठीक होगी। कुछ एक जो है इसका लो वगैरह वो अच्छा सा मिल जाए हमें, क्यों चारा अच्छा हो जाए,
नहीं तो वगरना वैसे चारा अच्छा होने की कोई चांस नहीं है, क्यों काफ़ी ख़राबी हुई है नीचे से, तो इस वजह से पानी भी लगाएंगे और साथ ही इसमें खाद वगैरह भी गिराने का इरादा है। ये देखिए ख़राब होने की वजह से ना हमने कुछ कटवा दिए थे, तो ये अभी थोड़े से खड़े हैं, तो इनमें खाद वगैरह भी गिराएंगे तो पानी भी लगाएंगे। लेकिन अभी दोबारा मूड बन चुका है तो अभी हम पानी लगाएंगे, अभी लगाएंगे तो खाद सुबह को गिराएंगे, क्योंकि दरवाज़ा हमारा खुल चुका है तो मैंने अभी खुलवाया है, तो बस अभी कई लेके आते हैं तो उसके साथ अपना काम सीधा करेंगे। तो कोई चांस नहीं थे कि अभी हम पानी लगा सकेंगे, क्यों मेरा मूड होता है कि जो हमारा काम हो वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, तो बस आज मुझे वो कमरे की टेंशन थी तो अभी पता लग गया है उसका, खुल गया वो, तो अभी कई लेके आते हैं इधर से, साथ ही है कई उधर से लेके आनी है। उस्मान अनवर भी आ गया। अच्छा किधर आ रहा है? हाँ आ रहा है, मजा आ रहा वा? मजा ही मजा, इस काम की तो मजा ही बड़ा यार। जोर ना कर मिट्टी बट, जोर नाल जोर है नहीं, थोड़ी थोड़ी ला रहे हैं, वड्डा टप्पा ला। मैं आवा बिच तेरी जगह है? मैं आवा तू इथे कर ले, मैं लावा ये तो मैं थक जूंगा फिर तेन बुला लूंगा। अच्छा जी, मैं हल्का ही भी स्लो ही है थी ना? हां हल्की जी है, टप्पा चुक दी नहीं पई। हां मैं हां सियाना बनया कर। आता लेंदे नु वो दूर फिरदा ले। मच्छर टाइम नाल ही आया फिरदा इत्थे खेतां च। मैं कहा आ गया टाइम नाल ही, मैं कहा अज क्लास इत्थे लानी, मैं कहा उस्ताद नु कहंदे कंप्यूटर किधर किधर मुंह चक्या है तुम्हें, आज करके खानी पै गई नफीस नो। हां पहले भी करी दी यार, नहीं आज नहीं करी दी, पहले मोबाइल ने करी दी है, आज खेत ही कर रहा, कर लूंगा पहले ये तो सही है, और ऊंचा ऊंचा करना पऊगा, तो उत्ते चार फॉल जोर दे ओए, तो नहीं बनी है इतना ऊंचा ना कर जाना, मिट्टी थोड़ी है, मैं कर देना पूरी नहीं होनी पूरी, और तो बाद उच्च करी है, मैं कुछ नहीं होता कहीं ना दबाया। ये जट जा रहा है, किसान जट, ये पानी लगा रहा है ये लड़का, आज इसको सही पकड़ा हुआ है, आज सही इसकी वर्जिश होगी। ओए गिर रहा है, घर में फ्री खा रहा था ये, आज इसको काम करना पड़ रहा है। चल ये देखो ट्यूबवेल चल रहा है, अब ये चला या नाला, ये देखा पानी शुरू हो चुका है हमारा, पहुंच गए थे 15 to 20 मिनट लगने, नहीं पानी फॉल स्पीड जा रहा सही, और हमारा चांद देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आधा घंटा लगूगा अभी से, कितना बड़ा जाहिर और खूबसूरत
और जो रात की रोशनी होती है ना इसकी, वो बहुत मजे की और खूबसूरत भी लगती है। नहीं गल ला शिवरात आज जा आज 13 हां यार कल 12 से आज 13 वैसे तेरा 13 यार चंद नहीं तेरा मोबाइल केड़ा वायदे च पता चल 28 ਨੂੰ 10 ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਚੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਯਾਰ 12 ਤਰੀਕ ਸੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੀ ਆਦ ਤੂੰ ਪਰਸਾ ਚੋ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜੀ ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਾ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਂਦ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਦ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰੀ तकरीबन ईशा के वक्त मैं घर में आया था तो काफ़ी भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था तो काम भी काफ़ी किए हैं तो उसकी वजह से भूख भी काफ़ी लगी हुई थी तो आते ही मैंने पहले खाना खाया तो खाना खाने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ी है और मगरिब की भी रहती थी वो भी पढ़ी है तो अभी तकरीबन 9:45 हो रहे हैं 10 बजने वाली हैं तो नींद भी काफ़ी आई हुई है तो अब बस सोना है सोने की तैयारी है तो मैंने सोचा वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़।